दोस्तों अब हम समझने वाले हैं आइसोट्रोपिक एंड एनाइसोट्रोपिक एक्सपेंशन को। आइसो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सेम। आइसोट्रोपिक का मतलब क्या हुआ कि जब अगर हम किसी सॉलिड सब्सटेंस को एनालाइज करें तो उस सॉलिड सब्सटेंस में अगर हम एक्स डायरेक्शन में चले जाएँ, वाई डायरेक्शन में चले जाएँ या फिर जेड डायरेक्शन में चले जाएँ, तो अकॉर्डिंगली तीनों डायरेक्शंस में उस सब्सटेंस की लैटिस स्ट्रक्चर आइडेंटिकल रहेगा, जिसकी वजह से उस सब्सटेंस में अगर हम किसी भी डायरेक्शन में चले जाएं तो प्रॉपर्टीज सिमिलर रहती हैं। और अगर एनाइसोट्रोपिक की बात करें तो हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज वेरी कर रही होंगी। अब आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक एक्सपेंशन के साथ किस तरीके से जुड़ गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि थर्मल एक्सपेंशन किसी सब्सटेंस में क्यों होती है, क्योंकि उस सब्सटेंस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन्स होते हैं। कोलिजन्स का रेट उस तरीके से बढ़ता है जैसे जैसे हम सब्सटेंस का टेम्परेचर वेरी करवाते हैं। अब अगर मैं बात करूं ऐसे सब्सटेंस की जो आइसोट्रोपिक है नेचर में, उस सब्सटेंस के लिए मैं क्या लिख सकता हूं कि मेरे रेट ऑफ कोलिजन हर डायरेक्शन में आइडेंटिकल होंगे। क्यों? क्योंकि हर डायरेक्शन में हमारे लैटिस स्ट्रक्चर बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। अगर लैटिस स्ट्रक्चर बिल्कुल आइडेंटिकल हैं तो हर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल एक सिमिलर दूरी पर हमको मिलेगा हर जगह। अब जब सिमिलर दूरी पर मिलेगा तो सिमिलर रेट ऑफ कोलिजन्स मिलेंगे हमें पूरे थ्रू आउट द वॉल्यूम उस सब्सटेंस के लिए। अब क्योंकि सिमिलर रेट ऑफ कोलिजन्स होगा हमारे एक्स डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में भी और जेड डायरेक्शन में भी, तो हम क्या रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं कि जो हमारा बीटा है वो 2 अल्फा के बराबर होगा, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन 2 टाइम्स होगा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के। और हम क्या यूज़ कर सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा 3 टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के। और यही रिजल्ट्स हमने डायरेक्टली यूज़ किए थे। हमने क्या माना था जब हम कंडीशंस को डिराइव कर रहे थे कि बॉडी आइडियल है, जब हम उसके एरिया में एक्सपेंशन देख रहे थे तो हम क्या देख रहे थे कि उसके लेंथ वाले एक्सेस में भी और उसके ब्रेथ वाले एक्सेस में भी दोनों में प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल हैं, लैटिस स्ट्रक्चर बिल्कुल आइडेंटिकल है। इस वजह से हमने क्या देखा, बीटा 2 अल्फा के बराबर है। अगर प्रॉपर्टीज वेरी कर रही होती तो हम क्या लिखते, बीटा इक्वल्स टू α1 + α2। α1 क्या होता, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इन, मैं मानता हूँ एक्स डायरेक्शन, और α2 होता कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इन वाई डायरेक्शन। और सिमिलरली अगर मैं गामा की बात करूं तो गामा कितने के बराबर आ जाता, α1 + α2 + α3 के बराबर। अगर मैं मानता कि α1 मेरा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इन एक्स डायरेक्शन, α2 वाई डायरेक्शन में और α3 है मेरा जेड डायरेक्शन में, तो अकॉर्डिंगली हमने क्या देखा कि बीटा इक्वल्स टू अल्फा और गामा इक्वल्स टू 3 अल्फा, ये मेरा वैलिड है आइसोट्रोपिक बॉडी के लिए। और बीटा इक्वल्स टू α1 + α2 और गामा इक्वल्स टू α1 + α2 + α3, ये रिजल्ट्स मिल किसके लिए वैलिड है, इन आइसोट्रोपिक बॉडी के लिए। यही था मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोट्रोपिक एंड एन आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन। और ये हमारा वेरी क्यों हो गया, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग रेट ऑफ कोलिजन देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से अलग अलग कोएफिशिएंट मिल जाते हैं।